देखियो, मेरा अपना मानना ये है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक बड़ा जनाक्रोश है लोगों में। आज ना तो लॉ एंड ऑर्डर है, शहरों के अंदर बुरी हालत है, सड़कें जर्जर पड़ी हैं, ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म है। किसी भी चीज़ को अगर आप देखो, अब एक घंटे की बारिश के अंदर पूरा शहर जलमग्न हो गया। पानी की ड्रेनेज की पाइपें आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, मोहल्लों में, कॉलोनियों में पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा, साफ़ पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी खड़ा है, निकासी का कोई साधन नहीं है, डिसिल्टिंग हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे शहर के अंदर इतनी हालत, एक पौना घंटा, एक घंटे की बारिश से जो सिस्टम बिल्कुल ही बदहाल हो गया, तो उसके ज़िम्मेवार प्रशासन है, उसके ज़िम्मेवार आज चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो। मैं समझता हूँ कि इनकी कार्यशैली मैं देखा करता था, मानसून आने से पहले ये डिसिल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता था, 15-15 दिन पहले, एक एक महीना। और आज 4-4 फुट सिल्ट जमा है नालों के अंदर, कोई सफाई नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर मोटरें लगी हुई हैं, मोटरें जली पड़ी हैं, तो पानी की निकासी कहाँ से हो? तो इसलिए सड़कें बिल्कुल बदहाल हैं, पानी पीने का स्वच्छ नहीं है, तो बुरी हालत है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, दो दो पेट्रोल पंप के अंदर लूट की वारदातें हुई हैं कल के दिन में, आप जाके पता कर लीजिए। और नौ नौ चौकियों को, जहाँ पर चाहे नफरी कम थी, उनको बंद कर दिया। उन इलाके के अंदर भी चौकियाँ बंद कर दी गई, जहाँ गांधी कैंप और इंदिरा कॉलोनी जैसे इलाके, जहाँ 20,000 वोटों का और 30,000-40,000 के करीब पॉपुलेशन जहाँ पर हो, और वहाँ एक जो चौकी बनी हुई थी, एक लोगों के अंदर सुरक्षा का एक भय का थोड़ा सा लोगों के ऊपर अंकुश होता था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह फेल, शहर की हालत बुरी तरह ख़राब, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, और अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोज़गारी होगी, उतना क्राइम बढ़ेगा। आज किसी भी पार्क में जाके देख लो, अनएम्प्लॉयड लड़के 25-30 साल, 35 साल के लड़के बेचारे घूमते फिर रहे हैं, MA पास हैं, BEd हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। आज उनका बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, आज लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर, एक पूरे प्रदेश ही नहीं, एक पूरे देश के अंदर, जहाँ प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 27 जून को जाके ये कहें कि ये NCP के जो लीडर हैं, इनके ख़िलाफ़ 70,000 करोड़ के स्कैम हैं, और वो स्कैम कहाँ से हुए, शुगर स्कैम, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई जल्दी जेल में बंद ना हो, तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं, और वही एक हफ्ते के अंदर एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिनके खिलाफ एलिगेशन थे उनको मंत्री बना दिया। ऐसा वातावरण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, जो डेमोक्रेटिकली जो इन इंस्टीट्यूशंस का जहाँ मान सम्मान होता था, जहाँ लोगों के दिमाग में इनकी पारदर्शिता होती थी, उनको ख़त्म कर दिया है इस सरकार ने, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया इन सारी चीज़ों का। आपने कहा कि कांग्रेस का चुनाव में, लेकिन कांग्रेस में खुद में इतनी फूट है? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये तो एक, जब सरकार आती दिखती है तो सभी लोगों के मन में महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर सारे लीडर एक मंच पे होंगे। मैसेज जिस तरह दिया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, नहीं मैसेज, अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भांगी, वो भी अपने अपने स्तर के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इसी तरह से शैलजा बहन जी, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी, ऐसे सीनियर लीडर ये भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? संगठन, मुझे संगठन का जवाब तो दे दिया, एक बार थोड़ी दिया, हमारे सीनियर लीडरों ने दिया है। अगर संगठन ना होता, मुझे एक बात बताओ, अब कितने इलेक्शन हुए हैं, सभी इलेक्शन के अंदर बीजेपी आ रही है,
बगैर संगठन के आ रही है। संगठन ना होते हुए भी ये हर जगह पर पराजित हो रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है। आज इनके पास अपना तो कोई संगठन नहीं होना चाहिए, पार्टी का संगठन होना चाहिए और जल्दी संगठन बनेगा और अच्छा संगठन बनेगा। आप देखना एक महीने के अंदर बढ़ के सामने आ जाएगा। अभी अभी नए प्रभारी आए हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आपके मित्र कृष्णमूर्ति वो तो कई तरह के सवाल उठाते हैं। देखो कृष्णमूर्ति जो कहते हैं ये उनका अपना वो है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे मित्र ज़रूर हैं लेकिन जो वो चीज़ें कह रहे हैं मैं, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है और ना कोई वास्ता है। अच्छा, आपने कहा कि अक्टूबर माह में पंजाबी महाकुंभ रोहतक में, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि हमारे समाज को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें हमारा प्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कितनी आप कितनी सीटें? हम 25 सीटें विधानसभा में चाहते हैं और 2 सीटें लोकसभा में चाहते हैं। कम से कम हमने डिमांड 3 की है, 2 सीटें लोकसभा की चाहते हैं और हम इसी तरह से 1 सीट राज्यसभा की चाहते हैं। हमारी आबादी के हिसाब से तो हमारा ये हक बनता है। हम कोई आरक्षण नहीं मानते, हम कोई और चीज़ नहीं मानते, लेकिन जो हमारा राइट है हम वही मानते हैं। नहीं तो आपकी सभी पार्टियों से डिमांड है? हमारी सभी पार्टियों से डिमांड है, जो हमें ज़्यादा सीट देंगे हमारे समाज को, हम उसी का साथ देंगे। लेकिन आज तो मुख्यमंत्री भी आपके समाज से, तो अच्छी बात है। मैं कोई उनकी कोई बुराई तो नहीं कर रहा। अभी इससे पहले मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर एक बजाते खुद ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो ईमानदार हैं लेकिन प्रशासन पे उनका कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल स्किल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। लेकिन अब तक 9.5 साल के करीब हो गए उनके खिलाफ। ये भी एक हमारे समाज के लिए प्राउड की बात है कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप या उनका या उनके परिवार के खिलाफ नहीं है। नहीं, जब मुख्यमंत्री आपके समाज से, तो क्यों नहीं आप अगले चुनाव में उनका साथ देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे समाज के लोग चाहते थे, जो 35 सालों से जो राज पीछे रहा, एक ही कम्युनिटी का रहा, तो जो बैकलॉग है ख़ास तौर पर रिक्रूटमेंट में, उसमें हमारी अनदेखी हुई। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम शून्य पे खड़े हैं, आप देखिए। तो हमारी ये मांग है, जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, बातें कैसे पूरी होंगी? नहीं, आपने कहा कि एक ही कम्युनिटी का, मतलब जाट कम्युनिटी का राज रहा है। जी जी, तो उसकी वजह से आप पिछड़े गए? नहीं, उसकी वजह से नहीं, राज रहा ना। चौधरी बंसी लाल इस प्रदेश के निर्माता रहे हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ओम प्रकाश जी चौटाला चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, हमारी रिक्रूटमेंट में जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हैं। हम कोई किसी कास्ट के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा हक इत्थे रख, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, बस इतनी बात है। अच्छा, गठबंधन सरकार उसके कामकाज को किस तरह देखते हैं, और आप अगर नंबर देना चाहें तो कितने? 0/0 मौजूदा गठबंधन सरकार ना एक भी इशू पे कामयाब नहीं है, मिजरेबली फेल, सिवाय भ्रष्टाचार, प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं। ये सरकार बुरी तरह से नाकामयाब सरकार है हर मुद्दे पे। आप पूरे प्रदेश में घूम के देख लो सड़कों की हालत। आप जो इतने सुंदर सुंदर कांग्रेस की राज के अंदर बाईपासिस बनाए थे, वहाँ भी खड्डे पड़े हुए हैं। आज रोहतक के अंदर कल आधा पौना घंटा बारिश हुई है, सारा शहर जलमग्न हो गया। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई पानी स्वच्छ लोगों को पीने का नहीं मिल रहा। इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? तो गठबंधन आगे चलेगा लगता है? मुझे नहीं लगता। ये JJP की सीट ही कोई नहीं आनी तो गठबंधन क्या होना, राइट? नहीं कुछ दे स्टैंड हो गया। रोहतक का हरियाणा का तो अब देखो मेरा इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। चौधरी बंसी लाल विकास पुरुष कहे जाते हैं, आज भी कहते हैं उनको। चौधरी भजन लाल जी के राज में मैं रहा, उनके साथ रहा, मैंने उनका राज भी देखा, बड़ा अच्छा था। किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था, 36 जातियों के लीडर थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आप जो लोग शहर में आते हैं
पुराने आके देखते हैं कई सालों के बाद, वो कहते हैं कि कमाल है इसके बाईपासिस, ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स, हर चीज़। चौधरी भूपेंद्र सिंह को भी क्रेडिट जाता है। तो चौधरी देवी लाल ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे, मैं ये तो नहीं कहता विकास के मामले में, लेकिन ही वाज़ ए टॉल लीडर। तो हैं हाँ चौटाला साहब प्रशासन के हिसाब से तो ही वाज़ नंबर वन, उनका कंट्रोल था, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं थी 1920 टच से मस हो जाए। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना भाई कौन सी मिनिस्टर कोई खट्टर साहब की एक उपलब्धि है, देखो बात सुनो, एक उपलब्धि है कि ये बतौर मुख्यमंत्री इनको 9 साल हो गए, प्रशासनिक एक्सपीरियंस इनको बहुत कम, प्रशासन पे कंट्रोल नहीं, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इनका इंडिविजुअल इनका जो कैरियर रहा है, इन्होंने परिवार को तरजीह नहीं दी, लॉट लेस कैरियर।